नमस्कार टीवी वन इंडिया न्यूज, मैं हूं बिना कुमार सिंह। आज मैं उपस्थित हूं लोहरदगा जिला में। यहां पर आरएसबी एक स्टूडियो है जिनका डायरेक्टर हैं आलोक राज जी। मैं इनके आवास में आज आया हूं और इनके स्टूडियो के कितनी लोग जानते हैं और यहां से कितने लोग गाना गाकर पॉपुलर हुए हैं, इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। मैं कैमरा मैन से चाहूँगा आप अंदर आए और जो भी स्टूडियो का दृश्य है वो पूरा दिखाएंगे। ये हुआ आरएसबी स्टूडियो, आप देख पा रहे हैं आरएसबी स्टूडियो। यहाँ पर नागपुरी सॉन्ग, भोजपुरी, ठेठ, कई तरह के गाने ट्रैक बनाए जाते हैं और गाना लोग यहाँ से गवाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं और अपने सांस्कृतिक धरोहर के बचाने के लिए इन्होंने हमेशा तत्पर मेहनत कर रहे हैं। मैं यहाँ की डायरेक्टर, मैनेजर और एडिटर से मैं बात करना चाहूँगा। आप सभी को ये स्टूडियो का पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। हमारे बीच एडिटर मौजूद है जो ये स्टूडियो चलाते हैं, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि काफ़ी दूर से आप मेरे जगह आए, हमको अच्छा लगा। और सर, मेरा नाम है दीपक उराव और गांव है धुंदरू, और हम कम से कम 7-8 साल से हम इसी लाइन में हम काम कर रहे हैं। 7-8 साल से आप इसी लाइन में काम कर रहे हैं। कितने लोग के आपने मोटिवेट किया यहाँ के गाने से, कितने लोग अपने नाम कमाए यहाँ? तो खैर गिनती कंफर्म नहीं है, पर उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा जाए तो यहाँ से पूरे नागपुरी में अधिकतर सिंगर यहाँ से हिट हुए और अभी भी हैं जो हिट हैं और अभी भी गाना चल रहा है। अभी भी गाना चल रहा है तो एक गाना को ट्रैक बना करके और गाना को बना करके आप कितने लागत में दे देते हैं सिंगर? सबसे पहले तो गाना उन्हीं का आता है और वो लोग अपने माध्यम से गाना कैसा गाना है उस हिसाब से तैयारी करके आते हैं, और आने के बाद यहाँ गाना में क्या कर रहे हैं उसके माध्यम से जैसे कमी बेसी होता है थोड़ा, उसको बताया भी जाता है। और एक गाना का ट्रैक के करके और गाना फाइनल करके 3,000 रुपया लेते हैं एक गाना पर। 3,000 में आप एक गाना दे लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं इतने कम खर्च में इन्होंने ट्रैक बना करके गाना को सुधार करके 3,000 के खर्च में इन्होंने देने के काम करते हैं। यहाँ से बहुत लोग अपने नाम कमाए हैं और संगीत के दुनिया में आगे निकल गए हैं। कहीं न कहीं एक तरह से अपने इतिहास को बरकरार रखने के लिए हमेशा लोग मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन एक यहाँ यंत्र दिख रहा है स्टूडियो। इस स्टूडियो से लोग अपने पहचान बनाते हैं, लोग रहे या नहीं रहे उनका गाया हुआ गाना लगातार रहता है। तो मैं जहाँ गाना गाते हैं कलाकार लोग, मैं वहाँ के भी दृश्य आप सभी को दिखाना चाहूँगा। लेकिन ये मोबाइल जो है, महोदय से मैं जानना चाहूँगा किस तरह से लोग कलाकार, कैमरामैन से मैं चाहूँगा अंदर आकर दिखाएं जो वहाँ पर कलाकार गाना गाते हैं, माइक लगाते हैं, अपना एयरफोन लगाते हैं, आप देख पा रहे हैं। ये एडिटर हैं और इन्होंने ही लगातार चलाते हैं अपना स्टूडियो के। तो आप थोड़ा सा कोई स्वर में अपने माइक में जो जहां कलाकार लोग आते हैं उसमें जरा गाकर गुनगुनाकर सुना दीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से यहां पर उत्साहित लोग आपका स्टूडियो में आवे और अच्छा अच्छा गाना गा करके अपना क्षेत्र में संगीत की दुनिया में नाम रोशन करेंगे। थोड़ा सा नागपुरी सॉन्ग में गुनगुना कर जरा सुना दीजिए। सबसे पहले तो लोग आते हैं तो आदमी का सबका हाइट तो लेवल नहीं रहता है, इसलिए जैसा रहता है वही अनुसार से यहाँ माइक सेट मैंने किया जाता है। उसके बाद हेडफोन लगाते हैं, हेडफोन लगाने के बाद वहाँ से
माने कि रिदम जो गाना में मांग रहा है इंडिकेट करते हैं, हाँ उस चीज को यहाँ साउंड देते हैं, उसके बाद ऐसा लगाते हैं, लगाने के बाद उस रिदम पर जो आपका गाना है उसको गाते हैं। तो अधिकतर तो अभी है कि कर्मा ही है, तो इसलिए हम कर्मा के ही कुछ सुर हम बता रहे हैं कि कैसे बहुत गाते अच्छी हैं। बात है, झारखंड में आदिवासी कर्मा को इतना मशहूर पर्व मानते हैं और उन्हें दिल से कर्मा को पूजा करते हैं, तो उसी बीच जरा दो शब्द सुनाया जाए। मेंजुरा बना भीतर कांदे भला, मेंजुरा बना भीतर कांदे, मेंजुरा बना भीतर कांदे भला, मेंजुरा बना भीतर कांदे। ये कर्मा का राग है। बहुत अच्छा, आपने मेरे चैनल में इतने अच्छे सुंदर मीठी स्वर में गाकर सुनाया, कहीं न कहीं ये जो स्टूडियो चला रहे हैं इनका लक्ष्य है हमारा क्षेत्र में कलाकार निकले और अच्छे नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र में अपना समाज में अपना वर्चस्व बनाए रखें और देश के कोने कोने में मेरा स्टूडियो का नाम हो और कहीं से भी लोग आए तो उनके कम खर्च में इन्होंने गाना बनाकर देने के काम करेंगे। तो और मैं डायरेक्टर से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, सर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। सबसे पहले इंडिया न्यूज जो है, इंडिया न्यूज ही है ना, इंडिया न्यूज के जो देखने वाले चहेता लोग हैं सभी दर्शक बंधु को झारखंडी जोहार है, नमस्कार है। और हम इस स्टूडियो जो RSB मल्टीमीडिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो है इसके संचालक हैं, हम इसको प्रोड्यूस किए हैं और ये संचालित कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का जो कला संस्कृति जो विलुप्त होते जा रहा है, ढोल नगाड़ा के साथ जो गाना गाते हैं उसको लोग भूलते जा रहे हैं, उसी को संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से हम लोग इस तरह का हम लोग चाहते हैं। और लोकल क्षेत्र में जो युवा युवती लोग हैं जो अपना टैलेंट दिखाने के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, वैसे ही कलाकारों को हम लोग मंच देने का प्रयास करते हैं। और हम लोगों के स्टूडियो से बहुत से ऐसे कलाकार भी हैं जिनको मुफ्त में यानी कि हम लोगों ने बिना पैसा का भी मंच दिया है और आज वे लोग अच्छा नाम कमा रहे हैं और अच्छा मार्केट में काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं अपने समाज के सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए लाखों रुपया लगाकर इन्होंने स्टूडियो खुला है और युवा युवतियों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने के काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर पुनः लौट रहा हूं ये एडिटर महोदय से जो इन्होंने अपना अंदाज में जो नए नए गाना लेकर के आते हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं और अपने से इशारा करके इंडिकेट करके उन्हें गाना गाने के लिए स्वर देने के लिए इशारा करते हैं। तो मैं ये यंत्र दिखा रहा हूँ, ये कंप्यूटर है, आप देख पा रहे हैं ये अपना कार्य शुरू कर दिए हैं और मैं जानना चाहूंगा आप किस तरह से यहाँ से इशारा करते हैं जो लोग गाना गाना शुरू कर देते हैं। इशारा वहाँ जब आते हैं तो उधर गाने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो रेडी रहते हैं, उसके बाद इधर से हम गानानुसार से जो रिदम है ताल है उसको फिट करते हैं और स्पीड कितना है वो भी सेट कर लेते हैं, उसके बाद वो तैयार रहते हैं, उसके बाद इधर से हम चालू कर देते हैं। चालू करने के बाद जैसे रिदम बजता है तो रिदम बजने से पहले जैसे कि काउंट होता है चार पांच काउंट का खाली जगह में, जिसमें उसका मिनट जो है ना घड़ी का उसी टाइप का टक टक की आवाज़ पांच बार बजता है, उसके बाद वे बजना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इसको ऐसे धीरे धीरे उसको गाने का इशारा देते हैं। जैसे आपने सुना इंडिकेट करते हैं गाना शुरू करने के लिए और विधिवत गाना को तैयार करते हैं। यह लोहरदगा स्टूडियो है और आदिवासी समाज के स्टूडियो है। मैं तमाम गायिका और गायक से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी इस स्टूडियो में आइए। स्टूडियो का नाम क्या नाम है? RSB मल्टीमीडिया, RSB मल्टीमीडिया स्टूडियो लोहरदगा, रोशन सॉरी आलोक राज,
आलोक राज के पास आप आइए और अच्छा खासा गाना लेकर के जाइए। मैं यहाँ की और एक मैनेजमेंटर है, मैं उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अमरनाथ जी, आप ये बताइए यहाँ पर आपके यहाँ स्टूडियो है, आपका जो यहाँ कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से आप क्या करते हैं? ये कंप्यूटर से एडिटिंग का काम। आप एडिटिंग का काम करते हैं? जो वीडियो बनता है उनका एडिटिंग किया जाता है। आज तक एक अंदाज से कितने वीडियो एडिटिंग किए? दो तीन सौ। आपके यहाँ से कितने कलाकार जो अपने सांस्कृतिक के दुनिया में, अपने जो समाज के दुनिया में जो सांस्कृतिक कला है, तो कितने लोग यहाँ से अपने नाम कमाए अपने क्षेत्र में, एक अंदाज बताइए। यहाँ पर तो का मैंने जैसे है ना, पहले तो बशीर अंसारी और कयूम अंसारी, बाकी बात छोड़ के जितना भी यहाँ पर कलाकार यही से नाम कमाया राजू भाई। जैसे आप देख पा रहे हैं पुराना कलाकार कयूम रहमानी जी और बशीर अंसारी, इनके बाद जितने भी इस क्षेत्र के कलाकार आए हैं, इन्होंने यही स्टूडियो से उन सभी को प्रमोशन किए हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म में लोग गए हैं। आप सभी इस स्टूडियो में जरूर आइए और एक बार गाना गाकर जाइए। ये आदिवासी स्टूडियो है, आपका कम खर्च में गाना तैयार कर दिया जाता है, आपको एडिटिंग करके वीडियो एडिटिंग करके आपको वीडियो सहित कम खर्च में बात करने के बाद आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए इस चैनल में बने रहिए। मैं विनय कुमार सिंह, TV1 इंडिया न्यूज़, लातेहार।